थोड़ा सा तेल डालने का, मतलब पहले से पहले थोड़ा तेल लिया गरम की, वो तेल जाए यही तेल अभी ओ कांदा भुजने के लिए डालने का। अच्छा ये कांदा गरम करने के लिए, और इसमें क्या करेगा? ये वाला जो तेल है, कौन सा तेल? ये वाला जो है, ये चिकन पकाने का, थोड़ा सा चिकन पकाएगा, 5-10 मिनट पकाने का, बंद कर देने का। ठीक है ठीक है, क्योंकि उसमें चिकन में पकना चाहिए ना। ठीक है, अच्छा ठीक है। अभी इसमें तूने हल्दी डाला, बराबर? हल्दी डाल दिया। अच्छा ठीक है, हो गया हल्दी। अच्छा इसमें नमक डाला चिकन में? हाँ ठीक है, नमक अभी डालने का, ये नमक। अच्छा ये नमक, ओके। इसको अभी मिक्स कर लेने का सर। चम्मच में धोके दो ना भाई, इसको हिलाने के लिए कैसे गए, हाथ से हिलाओगे इसको? वो गीला है भाई, खाली आपने वो फ्राई करने खाली। कितना कितना मतलब कितना फ्राई करेगा, पूरा पकाया कि आधा पकाया? नहीं थोड़ा सा, 10-5 मिनट 10-5 मिनट। हाँ इसको फिर ढक के रखने का और पकाने देंगे। और ये कैसा मतलब धीमे में पकाने के या फास्ट में? गैस ये फास्ट में पकाना पड़ता है। ठीक है, ये स्लो कर दिया हमने। इसमें सिर्फ हल्दी और नमक डाला है ना, और मिक्स किया, फिर बाद में तेल में छोड़ा है, बराबर? ये चिकन को अभी 10 मिनट ये करना है ना, कैसे मतलब कैसा, स्लो पे करना है फास्ट पे? नहीं वैसे नहीं, दिखाई रखा है मैंने, मीडियम पे, मतलब मीडियम पे। फिर बाद में उसको 10 मिनट करें, 10 मिनट ऐसे हिलाने का नहीं, कुछ टाइम सेट करके 10 मिनट देखिए। मिक्सर में क्या डाला है? अदरक और लहसुन। ठीक है, अदरक लहसुन और मिर्ची? मिर्ची नहीं, अदरक लहसुन का पेस्ट बनाएगा। ठीक है, तीखा हो जाएगा, ठीक है, खाएंगे नहीं। और बारीक करना है इसका। अच्छा और बारीक करना है, ये अभी ये हो गया मीडियम हो गया। पानी डालने का नहीं है इसमें? अच्छा पानी नहीं डालना है, ऐसे ये करने का इसमें। जब तक बारीक नहीं होता तब तक इसको पीसना पड़ता है, पाउडर जैसा करने का। एक बार और मारेंगे फिर हो गए ऐसा काम। हो गया बारीक। चल दाल थोड़ा कुछ छोटा कर, क्यों बड़ा डालने का तो क्या होगा, मिक्स नहीं होगा सब। तोड़ना पड़ता है क्यों बारी? हाँ बस उबाला है, अभी निकालने का है सिर्फ। अच्छा इसको निकालना है, ये निकाल के प्लेट में रखना है। अच्छा ये देखना आराम से, इसका बड़ा है वो। अच्छा इस बस
बस हो गया। मतलब ये अभी इसमें तू जब गर्म हो जाएगा तेल डालेगा, पतीला तो तेल डालेगा गर्म है ठीक है, और इसको जरा ये नहीं किया रे उतावला तेल डालने का, तेल डालना है अभी ये मतलब एकदम गर्म होने देगा कि मीडियम यानी गर्म दे। अच्छा इसमें गर्म होने का, फिर इसको गर्म होने के बाद इसमें क्या डालेगा, कांदा, कांदा और कांदा डालने का बाद में फिर आराम से देखने डाल बराबर से जिसका जिसका काम हो गया बी अब इसको कैसा मतलब फ्राई करेगा, मतलब गोल्डन होने देगा? हाँ गोल्डन, पूरा गोल्डन होने देगा। हाँ गोल्डन कर देगा, गोल्डन हो गया साइड में लेने का छोटा हो नमक लगने वाला नहीं कैसे? हाँ लगेगा लगेगा, मतलब ब्राउन हो गया है, मतलब ब्राउन क्या बोलते हैं गोल्डन हो गया है नहीं थोड़ा बाकी और थोड़ा बाकी है, मतलब पूरा गोल्डन होने देगा, गोल्डन मस्त अच्छा कांदे को साइड में लिया ठीक है। अभी ये डालने का है तो ये सब मसाले डालेगा अभी, इसको क्या बोलते हैं मसाले, मसाले खड़ा मसाला, खड़ा मसाला पहले है ना फिर लवंग, फिर काली मिर्च, और ये सब कब तो बड़ा लेना बड़ा चाहिए नहीं नहीं जल्दी डाल दे डाल बचेगा इधर मसाले डाले बोल दो पेस्ट। अच्छा ये सिर्फ अदरक अदरक लहसुन पेस्ट है ना पेस्ट? हाँ ये डालने का मतलब अभी वो क्या डाला था ना अदरक लहसुन उसको थोड़ा पकाने का था, पकाने का तो कच्चा नहीं रखने का। अरे मगर तेल नहीं है अभी, क्या मिर्ची डाल रहे कौन सा मसाला? ये साई बिरयानी मसाला, साई बिरयानी मसाला। अच्छा अभी अभी टोमेटो डालेगा। अच्छा हलद नहीं डाले ना, कि हलद और चिकन में पहले से डाला है ना, अभी टोमेटो डालने के बाद इसको कितना देर हिलाएगा? 5 मिनट तो फिर बाद में कांदा भी उसमें मिक्स करेगा। 10 मिनट मतलब दोनों, मतलब दोनों मिक्स करके 10 मिनट रखेगा मतलब। हाँ अच्छा डाल के, अच्छा ये मिक्स करके 10 मिनट इसको रखेगा, इसको भी पकाने का। अच्छा मतलब ये 10 मिनट नहीं, 3-4 मिनट इसको ये कर लेंगे। अच्छा ये दही कितना है? थोड़ा डालने का रही सर। अच्छा मतलब ये सोया सोया मिल्क दही डाला। हाँ अच्छा, और ये
अभी सब पूरा मिक्स कर गए उसको, दस मिनट इसको करते रहने का, चिपकता नहीं नीचे, हिलाते रहने का बस। चार पाँच मिनट, एक आंदा साइड में ही है। अच्छा देख लेना तो फिर बाद में सब मिक्स करेगा। मैं क्या क्या कर रहा हूँ, वो कांदा उसके साथ कब मिक्स करने हैं? बाद में करता हूँ, इसको पकने के लिए बरोबर से कम से इसको 10 मिनट ऐसा ही स्लो आँच पे पका दे रहने का। क्या हो, दही को भी है ना तेल छूटता है, दही को भी तेल पकाने का। अच्छा जब तक तेल नहीं छूटता, दही कांदा सब उसमें से तेल आता है, तेल आता है मतलब जब तक तेल ऊपर नहीं आता तब तक वो हिलाते रहने का, पकाते रहने का। फिर बाद में तेल ऊपर ऐसा दिख रहा आ रहा है तो फिर कांदा मिक्स करने का। बाद में अभी कांदा मिक्स कर, अभी कांदा मिक्स करने का। मतलब कांदा तभी मिक्स करने का जब पूरा उसको तेल छूटेगा। अच्छा और अभी मिक्स करने के बाद कितनी देर उसको पकाएगा? 5-6 मिनट। स्लो आँच पे। अभी इसमें नमक डाला कि नहीं? नमक अभी बाद में डालेगा, बाद में डालेगा जब चावल डालेंगे ना उसके बाद नमक। मतलब अभी कुछ कुछ डालने के नहीं, नमक देना कुछ नहीं डालना। मैं अभी 5 मिनट में भी चिकन डालने। मतलब इसमें नमक नहीं डालना है तूने, जो इसमें नमक नहीं डालना है, पहले तूने जो चिकन और हलद मिक्स किया था हल्दी उसमें नमक डाला था, इसमें नमक नहीं डालना है, इसमें बाद में टेस्ट के हिसाब से अपन डाल लेते हैं। या अभी मतलब तेल छूट रहा, मतलब हो गया तो अभी चिकन डालने का, अभी चिकन डालने का। ठीक है इस प्लेट को, मतलब इसमें पानी भी नहीं डाल के, वो वही पानी इसमें चटा लेंगे। अभी इसको 2-4 मिनट क्या हिलाने वाला है इसको, है ना उकड़े जाने के लिए। आता काय करायचं याच्यामध्ये, ते पाणी वगैरे करून पाणी टाकायचं पाणी थोडं। इसको कितना देर पका दे रहे हैं? पकाने का अभी 4-5 मिनट। उकड़ा वगैरह हो जाए इसको, इसको है ना उबला देने का। अच्छा उबला नहीं मिला, उबला गए इसमें भी पानी डालने का। अच्छा वो वाला जो ये वाला, मतलब वेस्टेज नहीं करने के। नहीं बस हो गया, इसमें है ना अभी नया चाले पानी डालने का। अच्छा मतलब ये आधा था, ये आधा आधा था मैं पानी डाल पाते हैं। ये पान दे अच्छा ठीक है, पॉइंट आर्टिस्ट आप पान दे बस। दुसरा तांबे ना पाण्याचा, दोन टाकायचे की अडीच तांबे पाणी, याच्यामध्ये जरा वर आलं पाहिजे चिकनच्या वर पाणी ना तेवढं। ह्याला आहे ना उकळी येऊ द्यायची, उकळी येऊ द्यायची तर असं म्हणजे झाकण नाही ठेवायचं, झाकण नाही, उकळी आली ना सोलो करून त्याच्यामध्ये तांदूळ टाकायचे दोन। अच्छा अच्छा गॅस फास्ट आहे, हा उकळी आली ना सोलो करायचा, सोलो करून आहे ना दोन तांदूळ टाकायचे। अच्छा उकळी आली का आपल्याला, आता हे उकळा उकळा आल्यावर तू याच्यामध्ये तू काय तांदूळ टाकायला ना, आपण गॅस फास्ट केला तर ह्याला आहे ना उकळी येऊ द्यायची, उकळी आल्यानंतर आहे ना ह्याला सुलू करायचं, सुलू केल्यानंतर आहे ना तांदूळ आतले घ्यायचे, त्याला धुवून आहे ना त्यात टाकायची, टाकल्यानंतर त्याला आहे ना हलवायचं, हलवलं ना मग गॅस फास्ट करायचा, मग 10-15 मिनिट घ्यायचा, मग पाणी आटून जाईल, पाणी मग सगळं आटून गेलं ना स्लो करायचं, थोडं पाणी राहील ते स्लो करून गॅस त्याच्यामध्ये जास्त टाकायचं वरती, नंतर 10 मिनटं ठेवतो, 10-15 मिनट घ्यायच्यानंतर मग बंद करायचं गॅस। ओके जोपर्यंत उकळी येते तोपर्यंत आपण तांदूळ घेऊन जाऊ। त्याच्यामध्ये दोन तांदूळ टाकायचे, उकळी येते थोडी थोडी येते बरोबर। मीठ वगैरे सगळं मिक्स झालं, आता 15 मिनिट असंच ठेवायचं ना फुल गॅसवरती जोपर्यंत पाणी आटत नाही तोपर्यंत। अच्छा थोडं थोडं पाणी जे आटलं ना मध्ये झाकण टाकायचं। अच्छा मग अच्छा
आता ह्याला उकळे आले, थोडं हलवून घ्यायचं. अच्छा, थोडं हलवून घ्यायचं. याला एकदा आपण म्हणजे हलवून घेतले त्याला. हां, या अजून 15 मिनिटं ते जोपर्यंत पाणी आटत नाही तोपर्यंत त्याला असं उघड्यावरती शिजू द्यायचं. म्हणजे पाणी कशाला शिजवत आहे, गरम काय करतो असे पाणी? गरम केलं की म्हणजे पाणी कम पडलं तर टाकाय. गरम जे पाणी आत कम पडलं ना, पाणी गरम करून घेऊन परत काय थोडं पाणी टाकायचं. पाणी आत सुकायचं तर पाणी टाकायचं. कम पाणी पडलं तर गरम पाणी टाकायचं. एक गिलास पाणी टाकायचं. अच्छा, आपल्याला पाणी कम पडलं म्हणून आपण एक गिलास पाणी टाकलं. एक गिलास पाणी टाकायचं. अच्छा, गरम करून आपण याच्यामध्ये पाणी टाकतो कारण की आपल्याला पाणी कम पडलं. बस एवढं एक गिलास आहे ना. चला, हलवणार वगैरे काय नाही ना? नाही नाही, स्लो वरती ठेवणारच की फास्ट? नाही नाही, फास्ट फास्टवर. किती वेळ? 5 मिनिटं. 5 मिनिटं. 5 मिनिटानंतर स्लो करणार आणि किती झाकण झाकायचं? किती वेळ ठेवणार? 10 मिनिटं. आता पाणी एकदा आटलेलं आहे, याला स्लो करून ठेवायचं, झाकण झाकायचं. एवढा वेळ झाकण नव्हतं ठेवलं, उघडच होतं रे. आता आता याचं पाणी जरा आटलं, आता झाकण ठेवायचं. म्हणजे भात खोबतो मस्त. अच्छा, आणि गॅस स्लोवरती? स्लोवरती ठेवायचा. किती मिनटं? 10-15 मिनटं. 10-15 मिनटं. ठीक आहे. मग नंतर झालं ना, नंतर मग बघून बंद करायचं. अच्छा, ठीक. आता आपली बिर्याणी तयार आहे, आपण आता बघू शकतो. तरी मग 15-10 मिनटं झाकून ठेवलं. झाकून ठेवली. आता आपण बघू निघतो. ठीक आहे, बघून 5 मिनटं अजून. म्हणजे असं वाटलं नाही शिजली, नाही शिजली जाऊन झालं तर परत 5 मिनटं ठेवू. बिर्याणी झाली आहे का? आपली बिर्याणी रेडी आहे. रेडी झाली. हां, कसं कळलं ते? थँक्यू. कसं कळलं? भात सगळा शिजलेला भात आहे ना, सगळा आहे ना, शिजला आहे. अच्छा, शिजला. ओके, झालं. आता म्हणजे 5 मिनटं वगैरे याला काय गरम वगैरे करायचं नाही? नाही नाही, फक्त झाकून आहे ना, 2-3 मिनटं. ओके, म्हणजे झालं, म्हणजे डन झालं, त्याला झाकण ठेवून झालं. ओके, आपण गॅस आहे ना 2-3 मिनटं चालू ठेवून नंतर बंद करू. आता एकदम एकदम स्लो वरती 2 मिनटं ठेवायचं त्याला, नंतर बंद करायचं. बंद करू. म्हणजे झालीच आहे, बिर्याणी झाली. अच्छा, ठीक आहे ठीक आहे.